जनता आपको पुकार रही है, जनता की पुकार सुन लो। डबल इंजन वाली सरकार, जनवरी का महीना है, बड़ा ठंडा महीना है, इसके अंदर आप गर्म हीटर चला के सो रहे हो और जनता ठंड में सो रही है बर्फ के ओढ़ के, तो थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो। अब तो समय है बर्फ का नहीं, फिर लोकसभा का समय आएगा, उस दिन हम दिखा देंगे आपको। महिला के लिए क्या करे, जो महिला के लिए बोले हम तो ये करेंगे तो महिला तो सो रही है, सर्दी जुकाम लग गया 3-4 दिन से, 6 दिन से, 5-7 दिन हुए ऐसे सो रहे हम लोग, और हमको कितनी ठंड लगी, और सब बहने बीमार हो गई है अभी फिलहाल में, और बोलते सरकार के लिए हम तो ये ऐसे करते वैसे करते, करती क्या है समझ में नहीं आ रही है। अब पता चल रही है महिला के लिए सरकार क्या कर रही है, अब पता चला है हमको कि क्या कर सकती हो, क्या करेगी। माननीय भजन लाल जी, थोड़ा शर्म करो आप। आप उस जनता ने चुने हुए हो, जो जनता राम को मानती है, जो जनता अल्लाह को मानती है, जो ना ईश्वर को मानती है, सबको मानने वाली जनता ने चुने हुए आप। आपको शर्म माननी चाहिए, आपके बच्चे समान हम लोग है। आप कहते हो हम उस जाति से आते हैं, आप कहते हो हम उस परिवार से आते हैं, जो परिवार गांव-गांव गली-गली जाके जिसने जनता की पीड़ा समझी, कहाँ समझी आपने पीड़ा। आप तो घोटी बाज हो, आप तो फर्जी हो, पर्ची के मुख्यमंत्री हो, आपको शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी। आप थाने में जा रहे हो, आप कहीं वहाँ जा रहे हो, यहाँ नहीं आ सकते हो आप। मैं आपसे चेतावनी, आपके न्यूज़ के माध्यम से अगर जल्दी चल जाए हमारी बात नहीं मानते, मैं चैलेंज दे रहा 25 तारीख को आपके जो राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति जा रहे हैं, उनको मैं काले झंडे बताऊंगा। मेरा नाम शिव प्रकाश नागर है, मोदी जी को मैं काले झंडे बताऊंगा, क्योंकि अब सैन्य करूंगा मैं, काले झंडे बताऊँ, मेरे साथ नहीं, मेरे गांव से बस भर के मंगाऊंगा मैं, और तमाम युवा के साथ घेराव करूंगा। अगर CID वाले भी सुन रहे हो तो तमाम देख लेना, डबल इंजन की सरकार है। अभी तो सरकार आने से पहले धुआं, मतलब इंजन चलने से पहले धुआं देने लगे तो आगे क्या होगा। अभी तो आपने एक महीना पूरा किया जिसमें छात्र रोड पे आ गए, फेलवर रोड पे आ गए, और कल मेरे नरसिंह के जो भाई थे वो रोड पे आ गए। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, आपने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहा आप तो रोजगार छीनने की बात करते हो। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी आपको, जो आप बार बार कहते हो भाई और बहनों, कहा आपकी मोदी गारंटी, कहा मैं सही गारंटी, हाँ सही कहते हैं जनता की चला नहीं कर सकता, देश के लिए अच्छा कानून बना नहीं सकता। पर्ची की सरकार कभी भी देश का भला नहीं कर सकती। और अयोध्या में आप कहते हो कि राम आएंगे, अरे मैं कहता राम कहाँ गए थे, राम कहाँ से आएंगे भैया, राम किसी के घर पे गए थे क्या, हाँ या किसी बुआ के घर पे चले गए थे क्या, राम आएंगे। अरे शर्म मान चाहिए आपको, अनपढ़ हो आपको शर्म मान चाहिए। आप दीपावली मनाते हो, दशहरा मनाते हो, फिर कौन किसका मनाते हो आप, वो कौन था, कौन था वो, आपको शर्म आए। अरे संविधान आपको इतनी तो शक्ति देता है कि आप कुल में सब कुछ करो, लेकिन संविधान हमको भी इतनी देता है कि हम 19 आर्टिकल 19 अनुसार अपना विरोध जता सकते हैं, ये संविधान की पावर है। लेकिन अभी तक प्रशासन ने हमको यहाँ रुकने की परमिशन नहीं दी है। आप परमिशन दिलाओ, परमिशन नहीं देंगे तो ये युवा है, युवा का उल्टा नाम वायु होता है, और वायु किसी से रुकती नहीं है। चाहे आप 100 की जगह 200 पुलिस वाले खड़े कर दें, लेकिन नहीं रुकेंगे, और आपको काले झंडे बताएंगे 25 तारीख को, देख लेना। हम आज 8वां दिन है हमारा, हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, हम भजन लाल जी से कहना चाहते हैं और मोदी से भी कहना चाहते हैं, हमारी मांगे जो है राजीव गांधी युवा मित्रों को बाल करने की, वो आप हमारी पुकार सुने। अगर आपके दिल में दया है तो हमें बहाल कर दीजिए, इसमें आपकी भलाई होगी, आपका भी फायदा ही होगा भाई। हम BJP की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएंगे, और भाई मोदी जी ने ये गारंटी दी थी कि आम जनता तक हम केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएंगे, लेकिन उनका पहुंचाने का काम तो हम कर रहे थे, और आपने हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर हमारे पेट काट दिए हैं। तो हमारी जो रोजी रोटी आपने जो छीनी है, वो आप ऐसा मत करें। हमारे भी परिवार है, उनको चलाने का कार्य हम पर था, वो हमारे पर बैठे थे कि चाहे हमारे बच्चों की नौकरी लगी है, और उनका हमारा रोजगार से ही हमारे परिवार का परपेट चल रहा था। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी मांगे है वो पूरी कर दे तो सबसे बेस्ट रहेगा, और हम भी अगर हम आपने बहाल कर दिया तो जो आपका जो गुणगान है वो हम जिंदगी भर भूलने वाले नहीं है, ये आपका हमारे परेशान रहेगा। गारंटी का तो बोला था ना कि गारंटी है, योजना बंद नहीं होगी, तो अगर योजना बंद नहीं होगी तो योजनाओं को घर घर पहुंचाएगा कौन, इसके लिए तो उनको दूसरों को लेना ही पड़ेगा ना, तो फिर दूसरों को नहीं लेके वो हमें ही ले लें, हमें तो हटाना तब चाहिए था ना कि भाई हम लोग मना करेंगे, हम आपकी योजनाओं को घर घर नहीं पहुँचाएंगे,
बिना बताए कि भाई यहाँ से दे हटा दिया, ये इनके आदमी है, ये इनके आदमी है। अगर यही होता तो अगर हम जैसे किसी के घर पे जाते तो हम ये थोड़ी बोलते हैं उनको कि आप भाजपा के हो कि भाई आप कांग्रेस के हो, हमारे लिए तो वो जनता है कि हमें जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुँचाना है। तो ये गलत चीज़ है कि आज हम लोग देख लो यहाँ पर बैठे भी हैं, इतनी ठंड पड़ रही है, इधर इतनी ठंड में सब लड़कियाँ बैठी हैं, लड़के बैठे हैं, गलत है ये चीज़। जल्दी से जल्दी उन्हें एक्शन लेना चाहिए।